Well. एवरीबडी एंडफुलत सी रेमेडी शेयर कर रही हूँ जस्ट लाइक दू ये भी वन ऑफ द एंगल्स ऑफ माई रूफ टॉप है एंड ये yes, आप लोग काफी सारे लोग कॉमेंट कर रहे हैं रिगार्डिंग दूस आई थॉट जब तक मैं यहाँ पर हूँ आई शुड शेयर द ब्यूटिफुल व्यूज आप देख सकते हैं द फ्लाइट ऑफ बर्थ बिहाइंड मी एंड येस इट इज रियली वंडरफुल एंड रियली ब्यूटफुल मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के साथ एवरी पॉसिबल एंगल जो यहाँ पर ब्यूटी है उत्तराखंड की वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को एड्रेस कर रही हूँ दैट इज योर इची स्कैल्प इची स्कैल्प का मतलब होता है वो इरिटेशन और वो यू you नो know, काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक स्कैल्प जब होता है जब लोगों को बहुत ज्यादा यू नो वो मजबूर हो जाते हैं सर को स्क्रैच करने में कुछ लोग इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि वो स्क्रैच कर कर के खून निकाल देते हैं आई वुड से अगर आपके बालों में किसी भी तरह की आपके स्कैल्प में किसी भी तरह की यू नो सिवियर प्रॉब्लम है यू शुड इमीडिएटली गो एंड आउट योर डर्मेटोलॉजिस्ट आपको उनसे कंसल्टेशन लेना चाहिए और उसको जल्दी से जल्दी फिक्स कर लेना चाहिए हाउ अगर आपको कोई भी परेशानी अभी रिसेंटली हुई है तो ट्राइंग द वेर इज डी आई वाइज विच आर अवेलेबल विच आर वेरी हैंडी विच आर वेरी वेरी यू नो कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई प्रॉब्लमेटिक uh, उनको यूज़ करने में कोई आज सच प्रॉब्लम नहीं है यू शुड गिवर अ ट्राई और आज की रेमिडी उन लोगों के लिए जिनको अभी रिसेंटली इची स्कैल्प हुआ है या फिर जिनको विंटर्स की वजह से स्कैल्प बहुत इच्छी हो रहा है उनके लिए बेनिफिशियल होने वाली है चीज स्कैल्प होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं द फर्स्ट वन कुड बी डैंड्रफ अगर आपको विंटर्स की वजह से यू नो ड्राई हवा होती है इस वजह से डैंड्रफ हो सकता है या फिर अगर आप अनहाइजेनिक कंडीशन में जल्दी जल्दी नहाना नहीं हो पाता है विंटर्स में इस वजह से अगर आपको यू नो दर इज डर्ट एंड एवरीथिंग इन योर स्कैल्प तो भी आपको डैंड्रफ का इशू हो सकता है एंड अल्टीमेटली इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ इरिटेशन एंड दस स्क्रैचिंग बाय द पर्सन अनदर रीजन कुड बी हेड हेडलीस अगर आपके बालों में लीक है या जुए हैं गाइज यू हैव टू स्क्रैच योर हेड तो ऑलवेज कीप योर यू नो स्कैल्प एप माइक्रोब फ्री किसी भी तरह का फंगस बैक्टीरिया एंड हेड हेडलीज एंड ऑल ऑफ थिंग्स शुड नॉट बी इन योर स्कैल्प अनदर रीजन कुड बी अ रिएक्शन टू अ हेयर केयर प्रोडक्ट्स हाउ एवर हेयर केयर प्रोडक्ट्स हमारे बालों की केयर करने के लिए बने हैं लेकिन फिर भी ऐट टाइम्स कुछ प्रोडक्ट्स में ऐसे ऐसे इंग्रीडियंट्स होते हैं जो कि सबको सूट नहीं करते एंड एनी काइंड ऑफ रिएक्शन टू इट आपके स्कैल्प में यू नो इचिंग कर सकता है बहुत ही ज़्यादा इरीटेशन कर सकता है एंड यू कैन रियली रियली गो क्रेजी अबाउट स्क्रैचिंग योर हैड Another reason could be some sort of very severe problem in your scalp. For example, hives, for example, scalp psoriasis. for example, uh, scabies. ये तीनों ही चीजें आपके uh, scalp के लिए बहुत बहुत dangerous है, guys. अगर आप इसको timely treat नहीं करते, it might cause permanent baldness. और आपके जो you know hair follicles हैं, जहां से आते हैं, वो permanently damage हो सकते हैं. तो अगर आपको इनमें से कोई भी reason है आपके स्कैल्प में इचिंग का आई वुड से गिव दिस रेमेडी अ ट्राई और अगर आई एम हंड्रेड परसेंट जिनको बहुत ही जनरल रीजन से uh, इचिंग है जिनको विंटर्स की वजह से है जिनको यू नो ऑल दो थिंग्स आर हैव स्टेटेड और जो सीवियर प्रॉब्लम मैंने बोली अगर इनका स्टार्टिंग है तो भी आपको बहुत ही ज़्यादा यू नो निजात मिल सकता है यू केड बी रियली हैप्पी अबाउट इट सो वॉट नीड्स टू बी डन इट्स वेरी सिंपल आपको लेना है कोकोनट ऑयल कोकोनट ऑयल हमें सूट नहीं करता सर्दियों में जम जाता है क्या कोई और ऑल्टरनेटिव है जी बिल्कुल है आप ले सकते हैं ऑलिव ऑयल आप ले सकते हैं आमंड ऑयल आप ले सकते हैं सेसमे ऑयल इन तीनों में से कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं विंटर्स में दे आर एप्सोल्यूटली यू uh, नो you गुड know, टू यूज़ uh, काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिटिव होते हैं और जमते भी नहीं हैं तो आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं इसमें आपको डालना है दस से बारह पत्ती फ्रेश नीम की हमारे पास नीम की पत्तियां नहीं हैं आप पाउडर यूज कर सकते हैं पाउडर कहाँ मिलेगा ऑनलाइन आपको मिल जाएगा उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी यू कैन डेफिनेटली ऑर्डर इट फॉर योर थर्ड इंग्रेडिएंट जो आपको चाहिए वो है तुलसी के पत्ते तुलसी के पत्ते हमारे पास नहीं है जहाँ हम रहते हैं वहाँ तुलसी सर्वाइव नहीं कर पाती है बहुत ठंड है एक्सेट्रा एक्सेट्रा तो आप तुलसी पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप वो ले सकते हैं इन तीनों चीजों को आपको अच्छे से यू नो ऑयल में हीट करना है नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली जब आप फ्रेश लीव्स का इस्तेमाल करते हैं तो फ्रेश ग्रीन लीव्स में होता है पानी का कॉन्टेंट जिसकी वजह से जब आप उसको यू नो ऑयल में डालते हैं तो वो काफ़ी चटचट चट चट आवाज आती है बिकॉज पानी का कॉन्टेंट इवेपोरेट होता है सो so, uh... बेटर होता है कि आप पाउडर का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि वो डिहाइड्रेटेड होते हैं उनमें जो क्या कहते हैं आप वाटर कंटेंट होता नहीं है इस वजह से वो काफी अच्छे से इंफ्यूज हो जाते हैं लेकिन इस वजह से वो काफी जल्दी जल भी जाते हैं तो अगर आप फ्रेश लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप अगर थोड़ी देर ज्यादा रख भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन पाउडर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो टू टू थ्री मिनट्स दैट्स ऑल इसमें आपका ऑयल प्रिपेयर हो जाएगा वॉट एल्स नीड्स टू बी नोटेड अगर आप लीव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऑयल काफी ज़्यादा फाइन बनेगा उसमें किसी तरह का पाउडर्ड यू नो कंसिस्टेंसी नहीं होगी अगर आप पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो तेल में से उस पाउडर को छानना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है आपको कपड़े की हेल्प से छानना पड़ेगा क्योंकि एकदम मिट्टी जैसा हो जाता है एंड यू के नॉट एक्चुअली सेपरेट इट तो वेस्टेज भी होता है क्योंकि कपड़े की हेल्प से करेंगे तो कपड़ा भी सोख लेता है ऑयल सो आई वुड से लीव्स बेटर ऑप्शन है जिनके पास लीव्स अवेलेबल नहीं है वो पाउडर का इस्तेमाल करें देन इट्स फाइन हाउ टू अप्लाई इट्स वेरी सिंपल आप लोगों को इसे अपने नॉर्मल ऑयल की तरह इस्तेमाल करना है आप जब भी हेड वॉश करने वाले हैं उससे पहले आप इस ऑयल को अच्छे से मसाज कर लीजिए जो लोग ऑयल का एप्लीकेशन रेगुलरली करते हैं वो ओवर नाइट रख सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है लेकिन जो लोग ऑयल के लिए इतने कंफर्टेबल नहीं हैं आई वुड से कि आप इसको नहाने से दो तीन घंटे पहले लगा लीजिए let it be on your uh, you know scalp for some time and then wash off absolutely fine and safe ये पर्टिकुलर रेमेडी मैं आप लोगों के साथ पहले भी एक वीडियो में शेयर कर चुकी हूँ एंड बिलीव मी द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स द काइंड ऑफ रिजल्ट इस रेमेडी ने लोगों को दिया है आई रियली के नॉट टेल यू इट हैज़ बीन वंडरफुल एंड लोगों को मात्र एक या दो एप्लीकेशन में बेहतरीन रिजल्ट मिले हैं एंड दे ऑल हैव एप्सल्यूटली लव्ड द रेमेडी द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आई हैव गॉट फॉर दिस पर्टिकुलर इन्फ्यूजन ऑयल हैज बीन कमेंडेबल बिलीव मी आई रियली विश टू टेल ऑल ऑफ यू कि आई एम वन ऑफ द यूट्यूबर्स ओवर हियर जो अपने रिजल्ट्स यू नो इतना एविडेंटली और इतना फ्रीक्वेंटली शेयर नहीं करती हूँ मैं बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता इतने सारे रिजल्ट मेरे पास आते हैं इतने सारे थैंक यू नोट्स आते हैं दैट आई डोंट नो मे बी आई डोंट हैव अ सिस्टम टू यू नो शेयर दोज थिंग्स सेव दो थिंग्स फॉर ऑल ऑफ यू बट नाउ आई गेस आई विल शेयर ऑल ऑफ दोज थिंग्स मैं आई विल सेव द रिजल्ट एंड आई विल शो इट टू यू दैट हाउ हैप्पी द पीपल आर यूजिंग दीज रेमिडीज़ मैं कोई भी रेमिडी आप लोगों के साथ यू नो जस्ट एक्सपेरिमेंटल शेयर नहीं कर रही हूँ एवरीबडी हैज़ यूज आई माई सेल्फ हैव यूज ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड मैंने uh, ये वीडियो जो आप लोगों के साथ शेयर किया है यहाँ पर मैंने ये एप्लीकेशन ये जो ऑयल है ये प्रिपेयर किया था अपने बालों में लगा के आपको दिखाया था एंड आफ्टर दैट सो मैनी पीपल ट्राइड इट बहुत सारे लोगों को सिवियर हैडलीस का इशू था जुओं का परेशानी था कंप्लीटली चला गया कुछ लोगों को यू नो इनिशियल स्टेज थी इन्फ्लमेशन uh, uh, की बालों में वो कंप्लीटली इराडिकेट हो गई एंड आई एम नॉट सेइंग दैट दिस इज़ माय रेमेडी मैंने ना ऑयल बनाया है ना नीम बनाया है ना तुलसी बनाई है इट्स अ सिंपल इन्फ्यूजन दैट आई है वेरी लॉन्ग एंड आई थॉट आई शुड शेयर इट विद माई फैमिली ओवर हियर एंड इट इज़ बेनिफिटिंग पीपल लाइक एनी थिंग सो इट हैज़ टू बी स्प्रेड तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू प्लीज़ शेयर द वीडियो एज मच एज पॉसिबल एट योर एंड और बहुत सारा प्यार आपका मुझे मिल ही रहा है आई एम सो थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ प्रीति प्रेरणा फैमिली आपका इतना सारा प्यार आई एम रियली इंडेबिटेड आई रियली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू जो कि मेरे चैनल पर आकर यू नो जस्ट फॉर अ सेकेंड आप आते हैं थैंक यू सो वेरी मच टू एवरीबडी आई रियली लव यू ऑल आई सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो विद समो दैट एक्सलेंटली अमेजिंग फॉर यू तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए विंटर्स एंजॉय कीजिए मैं धूप सेकती हूँ